मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ कि मैं खुद रोजाना मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों को पूरे अच्छे से खोलकर उसमें 10 बार छींटे मारता हूँ। और मैं खुद एक ऑप्टिशियन हूँ और मुझे तो बहुत सारे लेंसेस चेक करने भी पड़ते हैं अलग अलग पावर के पैसे में। हमारे आंखों में ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन मैं शायद इसी वजह से एक मेरे रूटीन में शामिल है, मेरी आदत बन चुकी है ये कि ऐसा मुझे रोजाना करना है। और जब भी मुझे समय मिलता है मुंह धोने का तो मैं आंखों को अच्छे से धोता ही हूँ। नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव आई साइट, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं जानता हूँ कि हर कोई जितने भी आई से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनके पास भी ये कमेंट जाते ही होंगे कि सर अपने आंखों का विजन कैसे बढ़ाएं, चश्मा कैसे हटाएं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि ऐसी कोई भी पद्धति नहीं आई है जिसको आप थोड़ा सा यूज करें और चश्मा परमानेंटली हट जाए। ये सब धीरे धीरे होता है, ये योग की एक कला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे सकता हूँ जिसकी मदद से आपका जो पावर जो बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कुछ ऐसे टिप्स मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका -4 या -8 या जो भी पावर होगा आपका, तो ये जो फार्मूला है उसको यूज करने के बाद वो -8 से सीधा 0 हो जाएगा, आपका चश्मा परमानेंटली हट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं निकालना है हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रात में खाना खाने के बाद ब्रश करके सोना है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपको ब्रश करके ही सोना है। अब सुबह जैसे उठेंगे तो सबसे पहले आपकी मुंह में पानी भर लीजिए, सादा फ्रेश पानी भर लीजिए। उसमें आप इस तरीके से पूरा मुंह भर के पानी भर लीजिए और अपनी आंखों को पूरा इस तरह से खींचिए, पानी भरा होना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद उसमें छींटा मारिए, आंखों को खुला रखना है और छींटा मारना है। ये आपको 8 से 10 बार रोजाना करना है। अब दूसरी चीज ये है कि आपको नंगे पैर जो है घास में चलना होता है, जो सीथ गिरती है ना ऊपर से, उसमें आपको नंगे पैर चलने की डेली आदत बनाइए। मैं सीधा सीधा आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप रोजाना सुबह उठने की आदत डाल लीजिए। सुबह आप उठेंगे ना 4 बजे, 4 बजे नहीं, चलो आराम कीजिए, थोड़ा 5 बजे आप उठ जाइए, थोड़ा नंगे पैर टहलना शुरू कीजिए, आंखों को थोड़ा इस तरीके से एक्सरसाइज करते रहिए उसका, तो इससे भी इम्प्रूव होता है। अब तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है आई एक्सरसाइज, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन शायद आप लोग ध्यान नहीं देते इसलिए बार बार पूछते हैं कि आई इम्प्रूवमेंट कैसे करें। देखिए भाई, करने से होता है, क्या करना है आपको, कुछ ऐसा गाइड वाइड लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बस आपके सामने कुछ एक जैसे उंगली को ही आप सामने रख लीजिए, अपने हाथों को पूरा लंबा करते हुए इस तरीके से, बस आपको 10-10 बार, 10-10 बार में आपको देखना है। जैसे कि एक बार आपने सीधा इसको देखा, अब उंगली से थोड़ी दूर की चीजों को देखना है, उसको देखना है, फिर इसको देखना है, अपनी उंगली को फिर दूर देखना है, फिर उंगली को देखना है, इस तरीके से आप 10 बार इसको दोहराएंगे, ठीक है। अब वही उंगली लेकर आपको क्या करना है कि अब इस तरीके से अपना सिर को घुमाना है, लेकिन नजर जो है इधर ही रहना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे और इसको ऊपर और नीचे इस तरीके से, बस आपको यही प्रैक्टिस करते रहना है 10-10 के सेट बनाकर, तो इससे आपकी आंखों की जो है अच्छी से एक्सरसाइज हो जाती है। ओके फ्रेंड, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ना ही कोई ऐसा ड्रॉप आया है जिसको आप डाल दें और रातों रात आपका विजन एकदम इंप्रूव हो जाए, आपका चश्मा परमानेंट हट जाए। ओके फ्रेंड, तो मैंने जो आपको टिप्स दी है उसको आप फॉलो कीजिए और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1 महीने में ही आपका जो विजन इंप्रूवमेंट है, अगर आप उसको लगन से करेंगे तो 100% होगा। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ कि मैं खुद रोजाना मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों को पूरे अच्छे से खोलकर उसमें 10 बार छींटे मारता हूँ। और मैं खुद एक ऑप्टिशियन हूँ और मुझे तो बहुत सारे लेंसेस चेक करने भी पड़ते हैं अलग अलग पावर के पैसे में। हमारे आंखों में ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन मैं शायद इसी वजह से एक मेरे रूटीन में शामिल है, मेरी आदत बन चुकी है ये कि ऐसा मुझे रोजाना करना है। और जब भी मुझे समय मिलता है मुंह धोने का तो मैं आंखों को अच्छे से धोता ही हूँ। तो इसका रिजल्ट मुझे ये मिला है कि अभी तक मुझे चश्मा नहीं लगा है और ना ही मुझे लगाने की अभी तक जरूरत पड़ी है। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इस टिप्स को समझ जाए, फॉलो करें और उनका भी आई इम्प्रूवमेंट हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।